Hello students, in today's session the words which I will be discussing are taken from the Hindu newspaper, and the words will immensely help in improving your vocab section. The government job aspirants can watch this video on a regular basis and can learn new words every day without even reading the Hindu newspaper, because the words are actually taken from the Hindu newspaper. So without wasting any time, let's see what are the words we are going to discuss today. So the first word for today is renegade. It means a person who leaves one group or religion etc. and joins another that opposes it. Means ek insaan jo apna group, apna uska jo religious group hai, us ya fir apne community usko chhod ke kisi aur ko join kar leta hai. Aur especially waise group ko jo uska opposition mein hota hai, means uske against hota hai. For example, they were renegades who thought they had permission to steal from the rich. वो जो क्या बोलते हैं, जैसे वो लोग आपको वो सोच रहे थे कि जो रीच में हम इंक्लूड हो जाएंगे तो उनको परमिशन हो जाएगा कि वो रीच से वो जो उनका स्टेटस होता है वो छीन सकते हैं. सिनोनिम्स हैं अपोस्टेट, डिफेक्टर, डिजर्टर, एंटोनिम्स हैं डिसाइपल, फॉलोअर, सपोर्टर. नेक्स्ट वर्ड इज मर्सनरी. इट मीन्स अ सोल्जर हु इज पेड फॉर अ फॉरेन country to fight in its army. A soldier who will fight for any group or country that hires him. Means ऐसा लड़ाका या फिर जो soldier जिसको आप पैसे दे के किसी भी country के through लड़वा सकते हो. जैसे मैं अगर इंडिया उसे पैसा दे रहा है तो इंडिया की तरफ से लड़ेगा, US उसे पैसा दे रहा है तो US की तरफ से लड़ेगा. उनको उन soldier को बस पैसों से मतलब होता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता. For example, his motives in choosing a career were purely mercenary. मीन्स उसका जो मोटिव है लाइफ में आगे बढ़ने का वो एकदम मर्सनरी की तरह है कि जो उसे पैसे देगा वो उसके लिए काम करेगा. सिनोनिम्स है एक्विजिटिव, अवेरिसियस, अवीट, कोवेटिंग. एंटोनिम्स है अनमेटेरियलिस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोमिनस. इट मीन्स डिजर्विंग और कॉजिंग पब्लिक डिस्ग्रेस और शेम. मीन्स ऐसा काम करना जिससे आपको पब्लिकली आपको ब्लेम मिल रहा है, मीन्स आपको प्रेज नहीं मिल रहा, आपको कोई बड़ाई नहीं कर रहा, आपको खराब नाम मिल रहा है. सिनोनिम्स हैं ह्यूमिलेटिंग, अनडिग्निफाइड, एम्बेरसिंग. एंटोनिम्स हैं ग्लोरियस, एडमिरेबल. और इसका एग्जांपल है नो अदर पार्टी रिस्क इग्नोमिनियस डिफीट. मीन्स कोई भी पार्टी इतना वो सह नहीं सकती, इतना जो उसको खराब पब्लिक से एकदम अपोजिशन, पब्लिक डिस्ग्रेस उसको मिला है हारने के बाद. जो नेक्स्ट वर्ड इज ओनस. इट मीन्स समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स ऐसा चीज़ जो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जैसे मान लो आपको पढ़ाई करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल द ओनस इज ऑन यू टू शो दैट यू हैव सफर्ड लॉस. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कैसे दिखाते हो कि तुमने बहुत नुकसान सहा है. एंड सिनोनिम्स हैं बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी. एंटोनिम्स हैं एक्सल्पेशन, एक्सोनरेशन, इरेस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज रेविनस. इट मीन्स एक्सट्रीमली हंगरी. मीन्स बहुत ही भूखा, आपको बहुत भूख लगी है. फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन आउट ऑल डे एंड वॉज रेविनस. मीन्स मैं पूरे दिन बाहर था इसलिए मैं बहुत ही भूख लगी हुई है, मुझे बहुत भूखा हुआ है. सिनोनिम्स है स्टार्व, फैमिश्ड. एंटोनिम्स है फुल, सेटिस्फाइड, स्टाफ. So that's it for today, and we'll be back with some more words in my next video. So till then, goodbye and thank you, and please subscribe to my channel and do like this video. Thank you.